चलिए इसी के साथ अगली खबर की ओर रुक कर चलते हैं और अब बात करेंगे कश्मीर में। जी हाँ, अगर वहीं पर गुलमर्ग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो है वहां पर पावर डेवलपमेंट को लेकर जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। काफी बार उन्हें गुहार भी लगाई है लेकिन फिर भी कहीं पर भी कोई असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। पूरा मामला क्या है, क्यों लगातार गुहार लगाने के बाद भी कोई भी यहाँ पर ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है, इस पर भी तमाम जानकारी जो है वो आपके समक्ष रखेंगे। जैसे हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन करेंगे, उनसे तमाम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा दें और वहीं पर तस्वीरें के बाद हम ये बात करेंगे कि अगर हम J&K पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो वहां उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया था कि इसकी डेवलपमेंट को लेकर जो है वो काम किया जाएगा। एक इंडस्ट्री जो है वो भी यहां पर आई थी, उसने ये कहा था कि वो जल्द से जल्द जो है यानी कि जुलाई एंड 2022 तक जो है इसका काम समाप्त कर देगी, लेकिन वहीं पर यह साल खत्म होने को है और अभी तक इसका काम जो है वो खत्म नहीं हुआ है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदिल दार ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। आदिल, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर एक तरफ ये वादा किया गया था कि जुलाई एंडिंग 2022 तक जो है काम यहां पर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तो यहां पर साल खत्म होने को है और अभी तक इसका काम खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल संदीप, मैं आपको बता दूं, अगर हम इस सबस्टेशन की बात करें, चूंकि 10 मेगावाट का यहाँ पर सबस्टेशन जो है बनाया गया था, जो कंगमर के पास में कुछ एरिया पड़ता है, लगभग इसमें जो है 20 गांव जो है वो कनेक्ट होने थे, लेकिन बदकिस्मत की बात यह है कि जब इसकी इनॉग्रेशन की गई थी तो वहां पर जो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि बाजाबे तौर जब इसकी इनॉग्रेशन की गई तो जुलाई 8 तक जो है ये मुकम्मल होगा और इसे आवाम के नाम जो है वक्फ किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मत की बात यह है कि आज जो है ये साल पीछा इख्तिताम पसीर होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी इनॉग्रेशन जो है नहीं हो पाई है। इस पर काम जो है 90% जो है मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ के जो मकामी लोग हैं, इन्होंने जो हमारे साथ कल बात करते हुए सख्त नाराजगी का इजहार किया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बर्फबारी जो है ज्यादा रहती है, क्योंकि फार प्लग एरिया है तो यहाँ पर जो बिजली कट होते हैं इसका यहाँ पर लोगों को जो है काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से ये सब स्टेशन बनाया गया था ताकि यहाँ जो आगा हिस्सा टंगमर का है कहीं ना कहीं जो बिजली के हवाले से कटौती के हवाले से यहाँ पर राहत मिल सके, लेकिन हमने देखा कि जुलाई के बाद अगर से पर यानी ये साल जो अब खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक जो इसे चालू नहीं किया गया, तो यहाँ पर लोगों की तरफ से यही डिमांड रखी गई है गवर्नर इंजाम के इसे जल्द से जल्द जो है चालू कर देना चाहिए ताकि यहाँ की जो गरीब आवाम में कहीं ना कहीं इन्हें बिजली कटौती के हवाले से जो है राहत मिल सके। संदीप, बिल्कुल आदिल, ये भी जानना चाहेंगे, जहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और हर बार देखने को मिला है जब भी कश्मीर में सर्दियाँ जो है वो देखने को मिलती है तो काफी बिजली कटौती होती है और जब बिजली की काफी ज्यादा वहाँ पर लोगों को जरूरत है, तो इस बार प्रशासन की तरफ से क्या पहले से ही इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया है? बिल्कुल संदीप, मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम इस वक्त साइड मुकाम गुलमर्ग के कुछ पहाड़ी इलाके की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा बर्फ जो है पड़ता है, 10 फीट के करीब यहाँ पर बर्फ पड़ता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बुनियादी सहूलियत के हवाले से लोगों को जो है सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जब सब स्टेशन बनाया गया था तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को जो है राहत मिल सकेगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर इस पर काम जो है 90% मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब आवाम की तरफ से यही डिमांड है कि विंटर से पहले पहले जो है इसको चालू कर देना चाहिए ताकि यहाँ पर जो आवाम है इन्हें बिजली कटौती के हवाले से जो है मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बुनियादी सहूलियत के हवाले से, इसमें पानी की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे या रोड्स के हवाले से बात करेंगे, तो जमीन यहाँ का जब देखने की कोशिश करते हैं कुछ और ही नजर आ रहे हैं। संदीप, बिल्कुल आदिल, क्या प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बयान सामने आ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या वजह रही कि इसे इस पूरे ढांचे को ठीक करने में इतना समय जो है वो लग रहा है? देखिए, हमारी कल ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने जो है कुछ यहाँ पर पोल और तार की दिक्कत की वजह से यहाँ पर जहाँ से इसकी बेसिक जो लाइन आनी है तो वहां पर कुछ दिक्कत है जो यहाँ की इंतजाम पे इनको आ रही है। तो हमारी जब कल ऑफिशियल से बात हुई तो इन्होंने यकीन दिलाया कि अगले एक डेढ़ महीने में जो इस पर काम जो है शुरू किया जाएगा और विंटर से पहले पहले इन्होंने ये कहा है कि इसे आवाम के नाम जो है वक्फ कर दिया जाएगा ताकि यहाँ लोगों को जो है बिजली कटौती के हवाले से जो है मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब देखने वाली बात हो कि किस तरह की डेवलपमेंट जो है जमीन हक पर देखने को मिलेगी। तंदीप, क्या लगता है, फिर से आश्वासन दिया गया है या इस बार जो है जो वादे किए गए हैं वो पूर्ण भी होंगे? देखिए, जिस तरह से हमारी कल ऑफिशियल से बात हुई तो उनका ये कहना है कि 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है इसको इस रिसीविंग स्टेशन को जो है जल्द चालू किया जाएगा ताकि यहाँ आवाम को जो है इसी रिसीविंग स्टेशन से जो है बिजली जो है फराम की जाएगी। तो विंटर आने से पहले अब लोगों की भी ये उम्मीद है कि प्रशासन की तरफ से जल्द जल्द इस पर जो है कदम उठाए जाएंगे ताकि जो ये जो रिसीविंग स्टेशन है इसे जल्द जल्द जो है चालू किया जाएगा। जी चलिए आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आदिल दार, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी, बता
रहा है कि क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरह से वहां पर एक बार फिर से लोगों को आश्वासन जो है वो दिया गया है कि इस बार सर्दियां शुरू होने से पहले ही जो है इन तमाम काम को जो है खत्म कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ असर जो है वो देखने को मिलता है।